Gen friends, welcome to this perfect discussion of research and editorial analysis powered by growth.upsc. I'm Dhruv Jani. दोस्तों आज एक ही लेख के बारे में बात करेंगे जो कि द हिंदू में प्रदर्शित हुआ है और थोड़ा महत्वपूर्ण है. अगर विषयों के परिपेक्ष में देखें, सामान्य अभ्यास के विषयों के परिपेक्ष में, तो दो विषय के साथ यह लेख पूरा का पूरा संबंधी है, जिसका शीर्षक हमें दृश्यमान है, कॉन्स्टेंट विजिलियंस. पहला रहेगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस और उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि GS3 और GS1. ये दो विषयों के साथ संबंधी है लेख, थोड़ा महत्वपूर्ण है. लेख को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात यहाँ करना थोड़ा मुझे जरूरी लगता है, और वो बात ये है कि देखिए, हम लोग औसतन रोज न्यूज़पेपर में 4-5 लेख आते हैं. हम लोग 2 न्यूज़पेपर में से निकलने का प्रयास करते हैं, मगर कई कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लेख हमारी परीक्षा की दृष्टि से थोड़े महत्वपूर्ण नहीं होते हैं. कुछ मनोरंजन की दृष्टि से अच्छे होते हैं या कुछ अन्य माहितियों की दृष्टि से अच्छे होते हैं, मगर हमें इस पूरे एडिटोरियल को, इस पूरे एडिटोरियल के सेगमेंट को हमें गेटवे के रूप में देखना है. गेटवे किसका? प्रथम एक तो हमारे जनरल स्टडीज का, और दूसरा गेटवे है यह करंट अफेयर्स का, गेटवे ऑफ करंट अफेयर्स. ठीक है, तो हम लोग इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो एडिटोरियल एनालिसिस है, जिसका अभ्यास हमें यहाँ करना होता है, उसका चयन करते हैं, और यही थियरी में जो फिट बैठता है उसी लेख को उठाते हैं, उसी लेख को आपके सामने रखते हैं अपने अभ्यास के उद्देश्य के लिए. तो ये बात हमें भूलनी नहीं है, वरना लेख तो कई सारे प्रदर्शित होते हैं, मगर उन लेखों में लेखकों की निजी जो बातें हैं, उनकी जो निजी विचारधारा है, उसका जिक्र होता है, जो हमारे लिए थोड़ा कम महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से. तो इसीलिए हम ऐसे लेखों को अवॉइड करते हैं. प्लस कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मुद्दे कॉमन रह जाते हैं. आज दरअसल फार्म रिफॉर्म्स की बात हो रही है या एग्री रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो प्रतिदिन कई सारे ऐसे लेख आते हैं जो कि एक ही मुद्दे पर बात करते हैं. अलग अलग लेखक होते हैं, तो उनकी राय जो है वो भी अलग अलग होती है, उनके अभिप्राय अलग अलग होते हैं. तो हमें तो क्या करना है कि अगर हमें जनरल स्टडीज़ के बारे में पढ़ना है या करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है, तो उससे संबंधी जो लेख है उसकी ही बात करेंगे. अगर एक बार हमने यह एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर ली है, तो उसको हम लोग बाद में अवॉइड करेंगे, उसको हम लोग बाद में रिपीट नहीं करेंगे. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है और इसकी पढ़ाई करनी है. तो देखते हैं आगे. यह लेख की शुरुआत से पहले हम लोग पहले इसका फोटोग्राफ देखें. देखिए, यह बेनाम लेख है और इसका टाइटल जिसे हमें दृश्यमान था, कॉन्स्टेंट विजिलियंस नामक लेख है, जिसमें और तो कुछ बात नहीं की गई है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, मगर एक बहुत ही बढ़िया बात की गई है, और भारतीय सरकार को और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को यह अंदेशा दिया गया है कि भाई आप लोग चौकन्ने रहे, आप लोग अपनी जो नज़र है वो एकदम जो है बढ़िया रखे, क्योंकि कुछ ऐसी शंकाय जो है हो रही है कि खालिस्तान की जो मूवमेंट थी, खालिस्तान आंदोलन था, वो अब धीरे धीरे फिर से क्रियाशील हो रहा है, फिर से धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है. ठीक है, तो दूसरी कोई बात नहीं हुई है, मगर इनमें से जो सामान्य अभ्यास के जो तत्व है जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकें, जैसे खालिस्तानी मूवमेंट हो या बलविंदर सिंह एक हमारे शौर्य चक्र अवॉर्डी है, उसका भी व्यक्तित्व जो है वो हम समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं. फिर खालिस्तानी मूवमेंट के कारणों की बात कर सकते हैं, उनसे जुड़े कुछ तत्वों की बात कर सकते हैं. तो इसी की वजह से यह लेख का चयन हुआ है और आपके सामने मैं लेकर आया हूँ. तो देखते हैं, 3 भागों में ही हम लोग देखेंगे. सर्वप्रथम निष्कर्ष की बात करेंगे लेख के, उसके बाद लेख में जो महत्वपूर्ण बातें की गई है उसके बारे में भी देखेंगे, और बाद में हमारा संशोधित जो पूरा का पूरा पोर्शन है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे. तो शुरू करते हैं निष्कर्ष से लेख के. इस लेख में लेखक के द्वारा सरकार व भारतीय सुरक्षा संस्थाओं को चेतावनी दी गई है, यानी कि वार्निंग. लेख में बताया गया है कि कैसे मृतप्राय खालिस्तान की मांग हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक बन सकती है. यस, आज के समय यह एक डोरमेट परिस्थिति में, यानी कि एक मृत अवस्था पर है, मगर यह आंदोलन किसी भी समय यह फिर से जागरूक हो सकता है, और इसके जागरूक होने से हमारी आंतरिक सुरक्षा जो है उसमें चुनौतियां बढ़ जाती है या बढ़ सकती है. लेखक ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कुछ संशोधन भी पेश किया है. तो देखते हैं लेख की महत्वपूर्ण बातें, जिसमें लेखक ने हमें
कुछ बातें जो है वो बताई है जो हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं, नई दिल्ली में 5 व्यक्तियों को आतंकी संदेहास्पद होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकी संदेहास्पद यानी कि टेरर सस्पेक्ट, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से 2 व्यक्ति शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह की हत्या में भी शामिल थे। यस, ये एक थोड़ी बड़ी बात है, बड़ा रहस्य खुला है। देखिए, शौर्य चक्र सम्मानित बलविंदर सिंह जो है वे खालिस्तानी मूवमेंट के विरोधी थे, मूवमेंट के विरोधी। अपनी हिम्मत और अपने बलिदान से भारतीय सरकार की बहुत ही मदद की है इस महानुभाव ने, और इसी के कारण भारतीय सरकार ने खुश होकर वर्ष 1993 में यह महानुभाव को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत में एक अच्छा सम्मान है। तो उसकी हत्या में 2 लोग शामिल थे ऐसा लग रहा है, जो 5 की धरपकड़ हुई है, जिन 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है उनमें से। बलविंदर सिंह की हत्या इस साल अक्टूबर में ही हुई थी, अक्टूबर 2020 में ही यह बलविंदर सिंह की हत्या हुई थी। उसके घर में घुस के 2 लोगों ने जो है बंदूक से उनकी हत्या कर दी थी। यहां से एक शंका उत्पन्न होती है कि खालिस्तान के कार्यकर्ता भारत में क्रियाशील है। यस, यहां से निसंदेह हमें शंका उत्पन्न होती है कि एक्टिविस्ट जो है, खालिस्तानी एक्टिविस्ट, वो धीरे धीरे फिर से एक्टिव हो रहे हैं, वो धीरे धीरे फिर से क्रियाशील हो रहे हैं। तो ये अपने आप में ही एक जो है एक संकटपूर्ण बात है, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक संकटपूर्ण बात है। पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI, जिसे हम इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के नाम से पहचानते हैं, कश्मीर के आतंकवाद को खालिस्तान की मांग के साथ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। यस, ये तो रहेगा ही, क्योंकि खालिस्तान अपने आप में ही एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, एक अलगाववादी है। तो अलगाववादी को पाकिस्तान सपोर्ट ना करे ऐसा तो कभी बनता ही नहीं है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसी के तहत ISI के द्वारा खालिस्तानी मूवमेंट को फंडिंग हो रहा है, खालिस्तानी मूवमेंट को जो मदद चाहिए वो दी जा रही है। और जो जर्नल सिंह थे, जो कि इस पूरी खालिस्तानी मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे थे 1980 के दशक में, उनके पोते को फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ISI के द्वारा। उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसे पैसे दिए जा रहे हैं, उसे मुंह मांगी कोई भी चीज वस्तुएं दी जा रही है, ताकि यह खालिस्तानी मूवमेंट फिर से जागरूक हो और भारत में जो शांति बनी हुई है उसको फिर से भंग करे। तो ये इसकी मंशा है। लेखक के संशोधन मुताबिक, जब से 370 को धारा 370 को हटाकर कश्मीर का स्वरूप बदल दिया गया है, यानी कि कश्मीर को राज्य मिटाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है, तब से आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। यस, क्योंकि यह बात पाकिस्तान को अजम नहीं हो रही है सीमा पर कि हम लोग कश्मीर में आंतरिक फेरफार कर रहे हैं, कश्मीर की बॉर्डर के साथ, कश्मीर की सीमा के साथ हमारी संसद ने जो है फेरफार की है। तो यह बात पाकिस्तान को अजम नहीं हो रही है, और इसी की वजह से एब्रोगेशन ऑफ 370 होते ही जो 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 पाकिस्तानी प्रेरित आतंकवाद था उसकी तीव्रता है, उसमें ज्यादा इजाफा हुआ है, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ एक संशोधन प्रस्तुत किया है लेखक के द्वारा हमारे समक्ष। वर्ष 2019 में आतंकी घटना 369 बार बनी, और वहीं जो मृत्यु थी वो 283 कैजुअलिटीज हुई। उसमें सिविलियंस भी है, हमारे सैन्य बलों के जवान भी है, और उसके साथ साथ यहाँ आतंकवादी भी है। और 2020 में यह आतंकवादी घटना की संख्या बढ़कर हो गई 382, यानी कि अप इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। और यहां मृत्यु की संख्या भी ज्यादा हो गई, 302, ठीक है। तो इसी का आधार लेते हुए लेखक ने बोला है कि जब से 370 को हटा दिया गया, जब से कश्मीर में शांति स्थापने की कोशिश हो रही है, इसी की वजह से पाकिस्तान जो है वो यह बात को स्वीकार नहीं पा रहा है, और पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। कुछ आतंकी घटनाएं केंद्र शासित प्रदेश से ही जन्मी है, यह बात भी जग जाहिर है, किसी को इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्रिंज एलिमेंट्स सिर्फ सीमा पार से ही आते हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स हमारे देश में भी रहते हैं, कश्मीर में भी रहते हैं, कश्मीर में क्या मेनलैंड इंडिया में भी रहते हैं,
चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो साउथ इंडियन स्टेट्स हो, चाहे वो उत्तर पूर्व हो, ठीक है। तो ऐसे फ्रिंज एलिमेंट से बचने की जो सलाह है यह लेखक के द्वारा भारतीय सरकार को व भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को, या भारतीय आप कह लीजिए इंटेलिजेंस एजेंसियों को दे दी गई है। एलओसी व आईबी पर शस्त्र विराम भंग की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है, ये तो होना ही है। हम लोग इन्फिल्ट्रेशन भी डिफॉल्ट करेंगे, ये लोग घुसपैठ की, पहले तो अब घुसपैठ का प्रयत्न करेंगे, हम उसको फॉल करेंगे, उसको नाकाम बनाएंगे, तो सीजफायर वायोलेशन तो स्वाभाविक रूप से बढ़ना ही है, और वे लोग कर भी क्या सकते हैं। अब कश्मीर घाटी में ऐसी आतंकी घटना स्वाभाविक हो गई है, वहाँ का जो, वहाँ की जो आवाम है, वहाँ का जो कश्मीरी जो पॉपुलस है, जो जनमानस है, वो अब ऐसी बातों से या ऐसी घटनाओं से वो एकदम नॉर्मल हो गया है। तो अब जो शांति 2011 से 15 के बीच में रही थी वो अब पास्ट हो गई है, एक अतीत समान हो गई है, वो शांति आज के समय या आज के वर्ष हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि कई सारे मूलभूत फेरफार भी किए गए कश्मीर में, कश्मीरी घाटी के सीमा के साथ भी फेरफार किए गए हैं, प्लस जो हमारे वहाँ सैन्य बल है उनके ऑपरेशन में भी मूलभूत रूप से फेरफार किए गए हैं। जो पहले हम लोग डिफेंसिव स्टैंड ले रहे थे वो आजकल हम लोग ऑफेंसिव हो गए हैं, और इसी की वजह से पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही है। देखते हैं, यहाँ तक तो लेख की बात की हमने, अब आगे हमारा संशोधित जो पोर्शन है इस पूरे सेशन का, उसको देखने का प्रयास करेंगे। उसके तहत सबसे प्रथम हम लोग बलविंदर सिंह के बारे में देखेंगे, जो कि एक पब्लिक फिगर है, निसंदेह वह एक पब्लिक फिगर है, और भारत का रत्न भी हम लोग उसे कह सकते हैं। बलविंदर सिंह संधू कई सालों तक पंजाब में खालिस्तानी त्रासवाद के सामने लड़ते रहे, यह विरुद्ध में है, यहां साथ नहीं है, वे साम्यवादी थे, ही वॉज अ कम्युनिस्ट, बट ही वॉज नॉट सेपरेटिस्ट। लोकतंत्र में साम्यवाद होना वो कोई गैर स्वाभाविक सी बात नहीं है, मगर अलगाववादी होना ये जो है निसंदेह एक आपत्तिजनक बात है। धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे, यस एक्सट्रीमिज्म, ही वॉज अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, ही वॉज अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन। खालिस्तानी आंदोलन के भी विरोधी, खालिस्तानी आंदोलन के भी विरोधी थे, क्योंकि इसका भी जन्म जो है वो एक्सट्रीमिज्म में से ही हुआ था। पाकिस्तान ने हमारी यह जो फॉल्ट लाइन थी वह फॉल्ट लाइन को पकड़ लिया और उसको फ्यूल किया, उसको फंड किया, और इस पूरी घटना को या इस पूरे आंदोलन को एक हिंसात्मक आंदोलन बनाया, एक अलगाववादी आंदोलन के रूप में इसका निर्माण किया। एक अनुमान के मुताबिक उनके ऊपर 16 बार जानलेवा हमले हुए हैं, यह महानुभाव के ऊपर, बलविंदर सिंह के ऊपर लगभग 16 बार जानलेवा हमले हुए हैं, मगर ऊपर वाले की दया से वो हर बार बचे निकले। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक वर्ष 1990 में सिंह व उसके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ था, वे बचने में कामयाब हो गए। एक जानलेवा हमला हुआ था 1990s में, तो उसके और उसके फैमिली के ऊपर, तो उस हमले में भी यह जो हमारे जो महानुभाव है बलविंदर सिंह, वे बच गए। वर्ष 1983 में सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा बलविंदर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, यह एक बहुत ही ऊंचा सम्मान है जो प्रत्येक व्यक्ति विशेष को नसीब में नहीं होता, और यह सम्मान पाने के लिए देश के लिए कई सारे बलिदान देने पड़ते हैं, हिम्मत दिखानी पड़ती है, जो बलविंदर सिंह ने निसंदेह दिखाई थी। और इसी से खुश होकर जो तत्कालीन भारतीय सरकार थी उसने वह महानुभाव बलविंदर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया, उनको सुरक्षा कवच भी प्रदान था, he was giving security cover। आजकल हम लोग जो पॉलिटिशियन लोगों को देखते हैं जो सुरक्षा कवच के बीच में ही रहते हैं वे लोग, तो वैसा ही सुरक्षा कवच बलविंदर सिंह को भी प्रदान था, मगर 2019 में पंजाब के द्वारा वह सिक्योरिटी कवर वापिस ले लिया गया, और अगले ही साल उनकी हत्या कर दी गई, यानी कि इस साल। हालांकि पंजाब सरकार के द्वारा पिछले वर्ष ही सुरक्षा कवच वापस ले लिया गया, 2019 में वापस लिया और 2020 में अक्टूबर में उनकी हत्या कर दी गई, अक्टूबर
हत्या। घर में घुस के दो लोगों ने गोली मारकर हमारे जो हीरो थे बलविंदर सिंह उसको मार गिराया। देखते हैं आगे खालिस्तान आंदोलन। देखिए यह एक सिखों का राष्ट्रवादी आंदोलन था, इट वॉज अ नेशनलिस्ट सिख मूवमेंट। पंजाब के अंदर एक स्वतंत्र सिख राज्य की मांग करता यह आंदोलन था। देखिए सर्वप्रथम तो हमें जानना है कि जब 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो हमें मालूम है कि दो देशों का जो अस्तित्व है वो सामने आया, एक पाकिस्तान रहा और दूसरा हमारा भारत, वो तो अजर अमर ही था, मगर उसमें से पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो पाकिस्तान का जन्म जो हुआ उसमें सबसे प्रथम जो सबसे ज्यादा प्रभावी राज्य था इस पार्टीशन से वह राज्य पंजाब था, ये हमें याद रखना है। क्योंकि अगर यह पंजाब है मान लीजिएगा तो अंग्रेजों ने जो बाउंड्री कमीशन भेजा था उस बाउंड्री कमीशन ने जो रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन था उस कमीशन ने कोई भी परवाह किए बिना, कोई भी व्यावहारिक सांस्कृतिक राजनीतिक परवाह किए बिना पूरे पंजाब को खड़ा खड़ा काट दिया। तो इसी की वजह से जो सिख थे वे लोग बट गए, कुछ भारत में रह गए, कुछ पाकिस्तान में रह गए, अपनी जो वंश परंपरागत जमीनें थी वो भी पाकिस्तान में चली गई। रातों रात जो 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 लैंडलॉर्ड्स थे वे रातों रात गरीब हो गए, रातों रात पायमाल हो गए। तो ये गुस्सा था। और जैसे कि मैंने बताया कि पार्टीशन से जो कोई राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हो तो वो था पंजाब, और उसका कारण भी यही था। तो देखते हैं आगे, वर्ष 1709 से 1849 में सिख बहुल राज्य था, ठीक वैसा ही राज्य इन लोगों की मांग थी। देखिए ये लोग एक सेपरेट स्टेट मांग रहे थे, सेपरेट स्टेट, क्योंकि यह जो मूवमेंट थी वह नेशनलिस्ट थी, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट में सेपरेट कंट्री नहीं मांगी जाती, तो उसे नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं कहते, उसे तो एंटी नेशनल मूवमेंट कहते हैं, जो कि खालिस्तान बाद में बन गई, मगर यह एक इसका प्रोटोफॉर्म था, और प्रोटोफॉर्म में यह पूरी की पूरी मूवमेंट राष्ट्रवादी थी, नेशनलिस्ट थी। आगे अगर देखें तो वर्ष 1940 के बाद खालिस्तान की परिकल्पना का जन्म हुआ। यस, ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, खालिस्तानी शब्द का जन्म ही 1940 के बाद हुआ, बाद में कई सालों तक निष्क्रिय रही, इट वॉज आइडल फॉर मेनी ईयर्स। बट आगे एनआरआई के द्वारा सहयोग से मांग फिर से उठनी शुरू हुई। जो सिख एनआरआई जो कनाडा में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, यूरोपियन नेशंस में रहते हैं या दुनिया में किसी और जगह रहते हैं, उन लोगों को अपने लिए एक सेपरेट स्वतंत्र राज्य चाहिए था, तो उन लोगों के द्वारा फंडिंग किया गया, जैसे ISI आज के दिन कर रही है, तो एनआरआई सिखों के द्वारा भी फंडिंग किया गया, और इस पूरे के पूरे आंदोलन को आंदोलन में फिर से प्राण जो है वे डाले गए, फिर से वहां यहां से शुरुआत हुई जो कि एक निष्क्रिय पड़ी थी। 1980s में यानी कि 1980 के दशक में यह आंदोलन ने एक अलगाववादी आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया। अब तक वो एक अलगाववादी नहीं था, अब तक वो एक राष्ट्रवादी था, मगर अब वो हो गया सेपरेटिस्ट, क्योंकि कई सारे तत्व जो है वे इसमें मिले, इसमें पाकिस्तानी फंडिंग भी मिला, इसमें बाहर से NRI फंडिंग भी मिला, और इसमें अन्य सारे जो तत्व है जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे वो भी इसमें मिले। तो इसी की वजह से ये पूरा का पूरा जो आंदोलन था राष्ट्रवादी वो रूपांतरण होके हो गया सेपरेटिस्ट अलगाववादी। अकाली दल भी इसमें नोंदनीय रूप से सक्रिय था। यस, अकाली दल भी इसमें नोंदनीय रूप से सक्रिय था, और इसी की वजह से बाद में यहाँ लिखा है कांग्रेस पार्टी, तब का सबसे बड़ा राजकीय पक्ष भारत का कांग्रेस पार्टी और अकाली दल के बीच में एक दुश्मनावट खड़ी हो गई, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस है और अलगाववादी पार्टी जो है या अलगाववादी विचारधारा को समर्थन देने वाली वाला जो पक्ष है वो है अकाली दल, तो इन दोनों के बीच में दुश्मनावट का जन्म हो गया। अब इस दुश्मनावट को निपटने के लिए भारतीय सरकार ने एक आदमी खड़ा किया, भारतीय सरकार ने एक आदमी खड़ा किया जिसका नाम था जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले। अकाली दल के बीच में या अकाली दल को दुर्बल बनाने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा जर्नैल सिंह भिंद्रनवाला नामक व्यक्ति को जन्म दिया गया, यानी कि उसको बड़ा कर दिया गया ताकि वो भारत सरकार के जो मंसूबे हैं वो उसको पूर्ण कर सके। मगर
हालात कुछ ऐसा हुआ है कि जो जब जनरल सिंह अंदर गए अकाली दल में, तो जो खालिस्तान की जो विचारधारा थी, वह विचारधारा से इतना प्रभावित हुआ यह व्यक्ति कि खुद भारतीय सरकार के विरुद्ध हो गया और पूरे इस आंदोलन की जो कमान है वो अपने हाथ में ले ली, इस आंदोलन का नेता बन गया, इस आंदोलन का नेतृत्व ही अपने हाथ में ले लिया। अब भारत सरकार के संकट में इजाफा हुआ क्योंकि उन्हीं के द्वारा बड़ा किया हुआ व्यक्ति अब विपक्ष में चला गया और वहां से सरकार के ऊपर, भारत देश की अखंडता के ऊपर, भारत देश की संप्रभुता के ऊपर प्रहार करने लगा, ISI से फंडिंग लेने लगा, वहां से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस लेने लगा, यहां अपनी फौज तैयार करने लगा और हिंसक घटनाएं करने लगा पूरे देश में, पंजाब में थोड़ी ज्यादा। धीरे धीरे यह आंदोलन हिंसक व कट्टर बनने लगा। यस, धीरे धीरे इसमें धार्मिक कट्टरता भी मिली और इसमें हिंसा भी मिली। पाकिस्तान के ISI का सहयोग उसे प्राप्त हुआ। अब ISI का सहयोग जिसे प्राप्त हो उसमें कुछ बाकी नहीं रह सकता, और जब भी वो भारत विरुद्ध हो तो कुछ बाकी ही नहीं रह सकता, ठीक है। तो ऐसे ही यह घटना थोड़ी बड़ी हो गई, हिंसक हो गई, पंजाब का स्वतंत्र राष्ट्र इस आंदोलन की मांग बन गई। अब तक क्या था, एक सेपरेट स्टेट उन लोगों को चाहिए था, मगर जब से यह जो भिंद्रनवाले ने नेतृत्व लिया और ISI का जो प्रभाव है यह पूरे के पूरे आंदोलन पर बढ़ा, तो तब से इन लोगों की जो मांग है उसमें फेरफर हो गया। स्टेट हुड से सीधा वे नेशन हुड में चले गए। स्टेट हुड की मांग जो थी एक अलग राज्य की, वो रूपांतरित होकर सीधी हो गई अलग राष्ट्र की, जो कि और गंभीर इश्यू है, और गंभीर मुद्दा है। स्टेट हुड टू नेशन हुड, स्टेट हुड तो चलेगा कि चलो देश में तो रहेंगे, भले ही एक अलग स्वतंत्र उसे राज्य दे दिया जाए, मगर नेशन हुड की मांग जो है वो कतई स्वीकारी नहीं जा सकती, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या अन्य किसी भी पक्ष की सरकार हो, मगर यह एक राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्र की अखंडता का मुद्दा है और साथ ही साथ राष्ट्र की संप्रभुता का मुद्दा है। तो ये बात हुई खालिस्तानी मूवमेंट की। अगर हम इसके कारक देखें कि कौन कौन से कारक है, किन किन कारणों की वजह से यह आंदोलन जो है वो इतना बड़ा हो गया, तो कई सारे कारण हैं, जिसमें से अगर ब्रीफली हमें देखना हो तो सर्वप्रथम सबसे पहला कारण जो था वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो दंगे हुए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को असासिनेट कर दिए गए, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई, और हमें सबको मालूम है कि उसके सिख अंगरक्षक थे और जो कमांडोस थे, जो सिख थे, उन लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। हत्या के जो प्रत्याघात थे पूरे देश में, हत्या के प्रत्याघात पूरे देश में वे भी बहुत ही खराब थे, क्योंकि पूरे देश में एक एंटी सिख फीलिंग जो है, एंटी सिख इमोशन कह लीजिए, कि ज्वाला जल गई पूरे देश में, पूरे देश के लोग सिखों को धुतकारने लगे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारक है इसका, कि इसने यह पूरे आंदोलन को बहुत ही फ्यूल दिया, बहुत ही वेग प्रदान किया, यानी कि गति दी। आज के समय की अगर बात करें, आज के समय के परिप्रेक्ष्य में, तो आज एक यह पूरे का पूरा आंदोलन एक मृतप्राय अवस्था में है, प्लस पंजाब के अर्बन और रूरल एरियाज के जो वहाँ की जो बस्ती है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो भारतीय नागरिक है, वे लोग खालिस्तानी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते आज के दिन। मगर जो NRIs है, जो कि कैनेडा में बसते हैं, US में बसते हैं, UK में बसते हैं, और जो एकदम समृद्ध है, उन लोगों के द्वारा अभी भी फंडिंग हो रहा है, अभी भी उन लोगों के द्वारा ऐसा आग्रह किया जा रहा है कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने से भारतीय सरकार के ऊपर प्रेशर डालें और अपना जो स्वतंत्र राष्ट्र है वो हम कर लें, ठीक है। मगर भारत में हम लोग कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा आंदोलन एक मृतप्राय है, और इसमें पहले तो दो कारण है यह आंदोलन के शांत होने का। पहला जो कारण है वो अस्वाभाविक कारण है, दूसरा कारण जो है वो स्वाभाविक कारण है। स्वाभाविक पहले देख लेते हैं। स्वाभाविक कारण में तो सशस्त्र बलों का हाथ है, यह तो एक नॉर्मल सी बात है। अगर किसी भी ऐसे सेपरेटिस्ट आंदोलन को बंद करना हो तो भारतीय सरकार को या किसी भी राज्य सरकार को
सशस्त्र बल और पुलिस का साथ लेना होगा, उसका सहयोग लेना होगा, तभी ही यह बात अशक्य होगी। तो एक बात तो यह है कि पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस का उपयोग या सहयोग कह लीजिए, का सहयोग। दूसरी जो अस्वाभाविक सी बात है या अस्वाभाविक सा जो कारण है वो ये है कि सिख मूलभूत रूप से एक राष्ट्रवादी, एक राष्ट्रप्रेमी कौम है। तो इसी गुण ने यह पूरी कौम को जो रास्ता भटक गए थे उसमें से बाहर निकाला, यही उन लोगों की सिख ने, यही उन लोगों के गुण ने। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। पेट्रियोटिक, और यही पेट्रियोटिज्म ने उन लोगों को भारत के विरुद्ध होते होते बचा लिया। इन लोगों में समझ आ गई कि नहीं, ये हम गलत कर रहे हैं, हम लोग भारत के विरुद्ध जा रहे हैं। फिर भी थोड़े फ्रिंज एलिमेंट्स है, फ्रिंज एलिमेंट्स तो कहीं पर भी हमें देखने को मिलते हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स तो जो है कहीं पर भी मिलते हैं, पाकिस्तान में भी मिलते हैं भारत तरफी, तो उसका कोई सवाल नहीं। मगर पूरी कौम की परिप्रेक्ष्य में देखें, पूरे कौम के दृष्टिकोण से देखें, तो यह एक पेट्रियोटिक कौम है और यही गुण ने इन लोगों को बचा लिया, ये लोग शांत हो गए। तो ये दो मुख्य कारण हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो आज इस पूरे लेख में हमने कई सारी बातें की, जिसमें सर्वप्रथम निष्कर्ष देखा कि यह लेख एक हमारी भारतीय सरकार को और हमारे सुरक्षा बलों को एक अंदेशा दे रहा है, एक अनुशंसा दे रहा है कि आप अपनी निगाहें जो है वो चौकस रखें। भले ही खालिस्तान आज के समय मृतप्राय हो, मगर आप अपनी जो निगाहें है वो चौकस रखें, आप चौकन्ने रहिए। दूसरी बात, लेख की महत्वपूर्ण बातें देखी, कैसे ISIS उसको फंड कर रहा है, कैसे सीमा पार से जो आतंकवाद है वो उसमें भी जो है बढ़ोतरी हो रही है, कैसे ISI पूरे मूवमेंट को पुनः जीवित करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहा है, अपनी नाकाम कोशिशें कर रहा है, वो भी देखा। फिर कुछ सामान्य अभ्यास के तत्व देखे, जिसमें हमने शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह के बारे में देखा। उसके बाद खालिस्तानी मूवमेंट देखी, खालिस्तानी मूवमेंट का जो कोर्स है वो भी देखा, और कोर्स के साथ साथ उसके शांत होने का कारण भी देखा, प्लस आज की वर्तमान परिस्थिति भी देखी। हमारे पास कुछ फुटेजेस है, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग बलविंदर सिंह की फोटोग्राफ देखेंगे, जो कि शौर्य चक्र से सम्मानित है, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, भारत के सेवक है। और उसके बाद हम लोग गद्दर का फोटोग्राफ देखेंगे, जर्न सिल भिंडर वाले का। उस गद्दर के फोटोग्राफ के बाद जो यह गद्दारी आंदोलन था पूरा, वह आंदोलन की कुछ तस्वीर है जो हम देखेंगे। यह तस्वीरें पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध है, तो आप लोग भी देख सकते हैं निसंदेह। गूगल में जाइए, सिर्फ खालिस्तान मूवमेंट डालिए, तो उसमें आपके पास एक बहुत ही बड़ी लंबी सूची आएगी। देखिए, सर्वप्रथम इज द हीरो ऑफ अवर नेशन बलविंदर सिंह, शौर्य चक्र। कई सालों तक यह व्यक्ति ने लड़ाई की, खालिस्तानी नेताओं के सामने लड़ाई की, खालिस्तानी विचारधारा के सामने लड़ाई की, और प्रत्येक बार भारत का पक्ष रखा। तो यह एक अपने आप में ही एक विभूति है। उसके बाद देखिए, यह जर्नल सिंह भिंद्रन वाले है, जो कि एक गद्दार था, ही वॉज अ ट्रेटर। जिसको भारतीय कांग्रेस ने अकाली दल में जो है एक फॉल्ट लाइन उत्पन्न करने के लिए भेजा था, मगर यह अकाली दल के विचारधारा से, खालिस्तान की विचारधारा से ही प्रभावित हो गया और भारतीय सरकार के विरुद्ध हो गया, और बहुत ही इंटेंसिटी से यह मूवमेंट को शुरू किया। जयंत सिंह के पहले की जो मूवमेंट थी वो इतनी इंटेंस नहीं थी, इतनी हिंसक नहीं थी, ये मैं बात आपको बता दूं। मगर यह व्यक्ति ने पाकिस्तान से फंडिंग लेना शुरू किया, पाकिस्तान की सिंपथी लेना शुरू किया, पाकिस्तान से मदद मांगी गई, और जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार में खत्म कर दिया गया भारतीय सरकार के द्वारा। और ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो सबसे बड़ा सहयोग जिसका है ऑपरेशन ब्लू स्टार की सफलता में, वो निसंदेह हमारे आर्म्ड फोर्सेस का तो है ही है, मगर जिसका दिमाग था वो दिमाग था हमारे आज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यहां लिखना भी थोड़ा उचित नहीं है, अजीत डोभाल। जो कि आज के समय एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के चेयरमैन है,
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नाते, और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। वे अंदर गए। मैं एक बात आपको बता दूं कि ऑपरेशन ब्लूस्टर को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, तो जब उसकी प्लानिंग हो रही थी तो ये अंदर गए हमारे आज के NS है, और वहाँ अंदर 7 दिन रहे इन गद्दारों के साथ। इन गद्दारों की मनसाएं पूरी की पूरी जान ली। इसमें से 2 को तो जो है उसने रेडिकल कर दिया, उसको सरेंडर करने के लिए राजी कर दिया। 2 जो थोड़े दुर्बल थे मनोबल से, उनको आत्महत्या करवा दी कि भाई आपको तो भारतीय सरकार नहीं छोड़ेगी, आप तो मर ही जाओ। और जो समर्पण नहीं करने वाले थे उन लोगों को हमारे NSA ने आइडेंटिफाई कर लिया, भारतीय सरकार को मैसेज भी दे दिया कि भाई ये 1-2-3 लोग हैं जो किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करने वाले, हमें उसे मारना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पूरे के पूरे ऑपरेशन में हमारे अजीत डोभाल सर का बहुत ही बड़ा हाथ था। उसके बाद अगर देखिए ये फुटेज है जिसमें जनरल सिंह नेता के तौर पर आगे खड़ा है और उसके साथ उसकी पूरी सेना है, जो गद्दारों की सेना हम लोग कह सकते हैं, जो कि खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। आगे और भी एक हमारे पास इमेज है, देखिए यह गुरुद्वारे की ही है, अमृतसर गुरुद्वारे की, जहां इन लोगों के द्वारा अक्सर ऐसे प्रोटेस्ट किए जाते थे। ठीक है, आपको और भी इमेज मिल सकती है अगर आप पब्लिक डोमेन में जाए और ढूंढे तो, और इसके बारे में भी आप लोग कई सारी बातें जो है वे जान सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस पूरे सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगले आर्टिकल के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ब्रथमोट UPSC। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।